Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक चीज इंश्योर कर रहे हैं आर्मी वाले, जिसमें बड़ी खुश हूं कि सबका आईडी कार्ड देख रहे हैं। NH-120 पर जिमनी इलेक्शन का बड़ा मुकाबला, शेर की धार होगी या बल्ला मारेगा मार, सबको इंतजार। नवाज शरीफ की अहलिया कुलसुम नवाज और तहरीके इंसाफ की यास्मीन राशिद मद्द मुकाबल। पीपल्स पार्टी के फैसल मीर भी मैदान में हैं। वोटर्स चुनाव में मसरूफ, डब्बे खुलेंगे तो किस्मत का फैसला हो जाएगा। NH-120 पर सियासी कारकुनों का पारा हाई, कॉपर रोड पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के वोटर्स का जोशो खरोश दीदनी, कोई बल्ले की जीत का मुतमन्नी तो कोई शेर की जीत के लिए पुरअज़्म। बुजुर्ग और माजूर अफराद भी वोट डालने में पेश पेश। कभी हो सकता है कि कामे के ऊपर आप उसको नायल करार दे दें, ये बात ये सारी ऊपर से नीचे तक साजिश हुई है, इसमें सब लोग शामिल हैं। इमरान खान ने ना सबको जगा दिया है कि करप्शन के खिलाफ भी, हर चीज के खिलाफ ना उसने जगाया आवाम को। आज वोटर जो है हल्का 120 का जो वोटर है, वो मियां साहब के साथ होने वाली नाइंसाफी का जवाब जो है वो भारी मैंडेट में देगा। NH-120 पर कई पोलिंग स्टेशन में वोटिंग ताखीर से शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन के कार्ड के बावजूद पोलिंग स्टेशन में मीडिया को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। NH-120 का फैसला कबूल करेंगे, फौज की मौजूदगी में धांधली का इम्कान नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। अफवाज यहां पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में मैं समझता हूं कि किसी धांधली का कोई इम्कान। यास्मीन राशिद का पोलिंग स्टेशंस का दौरा, कहती हैं रेंजर्स की तैनाती से धांधली का इम्कान कम हो गया। पुलिस अहलकार लोगों के लिए सहूलियात पैदा करें। आर्मी के खड़े होने से यह जरूर फर्क पड़ा है कि वो जो धांधली वाला सिस्टम था वो उसमें बहुत कमी आ जाएगी। मरियम नवाज के साथ कारकुनों से ज्यादा तो सिक्योरिटी होती है, वो सिर्फ अपने खानदान की नुमाइंदगी कर रही हैं। नजर गोंदल का तंज। NH-120 के अवाम ज्यादा बाशऊर और नवाज शरीफ की नाअहली की वजह से वाकिफ हैं। हल्के में 70% वोट शेर को ही पड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी का दावा। साथ साथ ये जो आपने टर्नआउट की खास तौर पर जो बात की, ये बिल्कुल जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा मैं इसके अंदर एक जज्बा, एक वो चीज देख रही हूँ। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा मुकाबला एक तरफा होगा, जीत नून लीग की ही होगी। कल गायब हो जाना है, हमने यहाँ पे कायम रहना है, आज शाम में देखिएगा इंशाल्लाह वॉश आउट हो जाएगा। NH-120 का दिलचस्प पहलू, तीन अहम उम्मीदवार खुद वोट नहीं डाल सकेंगे। कुलसुम नवाज, यास्मीन राशिद, फैसल मीर का वोट इस हलके में रजिस्टर्ड ही नहीं। NH-120 पर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज के जवान तैनात, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब। 39 पोलिंग स्टेशन पर बायोमेट्रिक मशीनों का पहली बार तजुर्बाती इस्तेमाल, हल्के का गूगल मैप जारी। उम्र रसीदा नाबीना अफराद और हामला खवातीन को बगैर लाइन तरजीही बुनियादों पर वोट कास्ट करवाएं। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर तस्वीर न बनाने दी जाए, शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी को भी वोट ना डालने दिया जाए, इलेक्शन कमीशन की हिदायत।
एनए 120 की लम्हा बलम्हा सूरत हाल पर आश न्यूज की हल्का तहलका खुसूसी ट्रांसमिशन, बर वक्त और मुसद्दका खबरें, जानदार तज़िया और तबसरों का सिलसिला जारी। सोशल मीडिया पर भी जिमनी इलेक्शन का रंग चढ़ गया, ट्विटर पर बल्ले और शेयर पर ठप्पे का चर्चा। शानदार अदाकारी, जानदार मुकालमों से नाज़रीन को अपना गर्विदा बना लेने वाले मारूफ अदाकार इफ्तिखार कैसर का दुनिया में सफर तमाम, लेडी रेडिंग अस्पताल